वड्डी गल के गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता अखंडता है उन्होंने बरकरार रखने की लोड़ है। उधर भी तुम तस्वीर दिखा दें कि जी संगत है कि कितने बनने ने कितने नहीं बनने, क्योंकि जिते वह बने हुए चार चार पानी आता है ना, तो चार सवेरे में पानी निकलता है, चूहे दुडा में चोरी तह पी, तो मैं सारे अपने दरबार के उन्ने प्रबंध इस थान के उत्ते कर रहे हैं, पर कुदरत के सामने सारे प्रबंध पै रहे हैं, घोड़े बीमार हो रहे हैं। सब तो वड्डी गल कि जिते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है वह तंबू चो रहा है, उस तंबू के अंदर पानी वड़ रहा है, तो सारा पानी इत्थे ऐदा भज के नहीं जाते, भावे इदा ही खड़िया रहना, भावे परवाह नहीं करनी, हारना नहीं है, अभी हार गए तो लोगों ने आखना लै डर के भज गया बाद। निरंतर मीह पै रहा है, ये तस्वीर ने कि किमें अंदर पानी है जरा वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार के अंदर भी बढ़ चुके हैं, चो अंदरों तो नहीं चो रहा जरा तंबू चो रहा ना, अंदरों भी वेखो इतों चौंता पालकी साहब के अगों चौंता इतों चौंता सारा उपरों भी, मतलब तरपाल उत्ते पैन वाली है वड्डी, तरपाल नहीं कोई मिलन डी वड्डी, तरपाल नहीं कोई मिलन डी वड्डी। कल रात तो ही सिंघू बार्डर के उत्ते काफ़ी लगातार मीह पै रहा है, मीह पैण करके इतने जोड़े हालात ने वो काफ़ी मुश्किल भरे बन चुके हैं। कुछ तस्वीर तुम दिखाने जा रहे हैं कि सिंघू बार्डर के उत्ते कल रात का जो मीह पै रहा निरंतर हुण भी हल्की हल्की जी मट्ठी मट्ठी बारिश है वो जारी है, तो मीह पैण के नाल हालात किहोजे बन चुके हैं, हालात यहोजे ने कि गोडे गोडे पानी जमा हो चुके हैं। गुरु नानक दल मड़िया वालियां दे दल दे अगे असीं खड़े हाँ, निहंग सिंह जथेबंदियां जिथे सिंघू बार्डर उत्ते रुकिया हुई ने, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया होया है, जिथे गुरु दीआं लाड़लियां फौजां रुकिया ने, जिथे लाड़लियां फौजां दे घोड़े बन्ने ने, उस थां दे उत्ते बहुत ज़्यादा पानी भर चुके हैं। ये थां पहला ही कुछ नीवी सी, मीह पैण करके इत्थों दे हालात बड़े मुश्किल भरे बन चुके हैं। तस्वीर दिखा दिओ जी, सामने नीला निशान साहब झुल रहा है, इस झोंपड़ी के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, पर सामने के हालात बड़े मुश्किल भरे बन चुके हैं। मीह है जिहड़ा वह लगातार पै रहा, हुण भी मीह जारी है, निहंग सिंघां दे घोड़े अते निहंग सिंघ आप बड़ी मुश्किल के समय दे विच इत्थे बैठे ने, बड़ा सरवाइव करना पै रहा उन्हां नूं, बड़ा जूझना पै रहा है। इस थावां दे उत्ते इधर निगाह मारदे कहांगे कि इस पासे दिखा दिओ जी, इस पासे निहंग सिंघां दे अक्सर घोड़े बन्ने रहिंदे सी, तां उत्थे इक घोड़ा बन्निआ तुहानूं नज़र भी आऊगा, पर इस थां दे उत्तों घोड़िआं नूं किते होर लिजाया जा चुक्किआ, शिफ्ट किते होर कीता गिआ, सज्जे बन्ने अते खब्बे बन्ने इस पासे भी निहंग सिंघां दे घोड़े सी, खाली किले निहंग सिंघाले दे घोड़िआं दे तुसीं देख सकदे हो कि खाली किले ने, वह भी पानी दे विच बहुत सारे किले डुब चुके ने, कुछ क बाहर ने माड़े मोटे नज़र आ रहे ने, इन्हां सारिआं ते घोड़िआं नूं बन्निआ हुंदा सी, पर हुण मीह पैण करके हालात इन्ने मुश्किलां भरे बन गए ने कि इन्हां घोड़िआं नूं आ पिछे साढ़े ट्रक खड़े ने, कुछ क घोड़े तो निहंग सिंघां ने ट्रक मंगाए ने, उन्हां दे विच चढ़ा के खड़ाए ने, कुछ क घोड़े इधर उधर करके बन्ने ने, कुछ सड़क के परले पासे ने, कुछ इन ट्रकों के इन्हों मगर ट्रक खड़े ने, कुछ क सड़क के परले बन्ने ने, कुछ क इन्हों ने अपने जिहड़िया तंबू ने जां जिहड़े पड़ाल आए ने उन्होंने पिछे बन्ने हुए ने घोड़े, तो यह घोड़िया तो जिते दिक्कत आ रही हैं, आम लोगों को भी दिक्कत आ रही, उत्तर घोड़िया ने भी वड्डिया दिक्कत निहंग सिंघां ने घोड़े आ रही ने। एक सब तो खड़ी खास गल कि जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हो उस थान के उत्ते भी इन्ना पानी है जिहड़ा वो जमा हो चुका है, तुसीं तस्वीर देख सकते हो, जूम करके अस तुहानूं दिखा दिंदे हां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश अंदर किए हुए ने, पर निहंग सिंघां ने जिहड़े प्रबंध ने वह फिर भी बहुत चंगे ढंग नाल कर ले ने कि दरबार साहिब के अंदर पानी ना जाए, जिहड़े बनेरे ने वह बना दिए गए ने, वट्टा बना दित्तियां गईयां ने पानी के अंदर बण तो रोकण दे लई कि दरबार साहब के अंदर पानी ना जाए, निहंग सिंह फिरदे नज़र आ रहे हैं पानी के विच, क्योंकि पानी इन्ना ज़्यादा लगातार पानी पै रहा, रात की बारिश लगातार हो रही है, तो हुण भी निरंतर जिहड़ी बारिश है वह चल रही है। नीले निशान साहब इस बारिश के विच भी अडोल झूल रहे हैं, निहंग सिंह पानी नूं कढ़न दे अते होर तरह तरह के प्रबंध ने जिहड़े वह कल रात ही लगे हुए ने इन्हां प्रबंधां नूं करन दे लई कि किवें घोड़िआं नूं इन्हां दिक्कतां तों बचाया जा सके। तस्वीरां तुसीं देख लो जी, तुहानूं छौनी दे अंदर लै चलदे आं, निहंग सिंघां दी छौनी दे जिथे निहंग सिंघां ने प्रबंध किए हुए ने कि किवें किवें दीआं दिक्कतां ने, खुद निहंग सिंघां दे नाल गलबात करांगे। पहलां तुहानूं आम किसानां दीआं दिक्कतां जिहड़ियां ने उह दिखाईआं सन कि आम किसानां नूं इत्थे किवें किवें दीआं दिक्कतां आ रहीआं ने, हुण निहंग सिंघां दे कोल चलदे आं कि निहंग सिंघां नूं किस तरह दीआं दिक्कतां ने जिहड़ियां इत्थे आ रहीआं ने। इस पासे दिखा दिओ जी, लगातार पानी ही पानी पैंदा जा रिहा ते पानी इन्हां थावां दे उत्ते भरदा जा रिहा।
इत्थे निहंग सिंघां ने कुछ प्रबंध ने जिहड़े ओह कीते ने, तंबू ने जिहड़े ओह गड्ढे ने घोड़ियां नूं पाणी तों बचाउण दे लई। पाणी आ जिहड़ा ओह बहुत ज़्यादा इत्थे आ चुक्या है। निहंग सिंघां नाल गल्लबात करांगे, तुहानूं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखावांगे कि किवें पाणी दे विच किसान निहंग सिंघ सरवाइव कर रहे ने, किस ढंग दे नाल इह अंदोलन आ जिहड़ा ओह लड़िया जा रहा है, किवें इस अंदोलन दे विच निहंग सिंघ किसान डटे बैठे ने। निहंग सिंघ मौजूद ने। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी किन्ना मीह पै रहा कल रात तो पै रहा भाई? रात दे चल रहा मीह ते, सारी रात दे चलन दे। घोड़ियां दा प्रबंध किवें कर रहे हो? प्रबंध इदां ही आ, कदी होवे पक्के ते बन जांदा, कदी किथे जिवें जगह मिलदी इदां बन्नी जाईदा, टाइम पास होई जांदा। घोड़ा कि जेही शै आ कि जिहदा अपने तो वध ध्यान रखना पैंदा, ते इह जिहियां स्थितियां दे विच इहदा घोड़े बीमार वी हो सकदे ने, बड़ियां दिक्कतां होंदे, थल्ले पैर खराब हो जांदे ने, गारा दे विच पैर गल जांदे आ, जिवें आप दे गल जांदे इदां ही इहनां दे आ। हुण वेख, हुण माड़ा मीह खड़ा ते सारे ने सुक्के ते बदल दित्ते आ, ते टाइम वधिया रात निकल जाए। है फिर इत्थे हुण खाण पीण वास्ते काकण दा है ना, टाइम निकल ही जाणा, मंगवाई गिल्ली हो गई होगी। हां गिल्ली ते हो गई है, कईआं सांभ के रखी है, ते कईआं जिहड़े स्याणे ने उहनां रखीआं वी ने बोरियां भर के। ਲੋੜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਤੂੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੱਖ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? ਚਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਪੈਟਰ ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਤਰਪਾਲ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਰਪਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਮਿਲੂ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ 'ਚ। ਆਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਪਾਲ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਘੋੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਸੁੱਕਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਦਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਕਾ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਢਾਲ ਬਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਿੱਕੜੀ ਚਿੱਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਿੱਜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ, ਵੇਖੋ ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਡ, ਉਹ ਵੇਲ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਾਂ ਤੀਕਰ ਵੇਖੋ 25-26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਘੋੜੇ? ਮਤਲਬ ਵੀ 21 ਘੋੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਟਰੱਕ, ਬਾਹਰ ਉੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਤੋਂ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਰਪਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਚੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੈਟਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆਊਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਥੱਲੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ।
परवाह नहीं करने हारना नहीं है अजी हार गए तो लोगों ने आखना लै डर के भज गया बाद जड़ियाँ दिक्कतां ने वो बहुत ज़्यादा ने मसले ने जड़े वो मीह दे विच जिहे मसले खड़े हो जाते हैं कि घोड़िया घोड़िया वास्ते प्रबंध करने की लड़ है एक वड्डी गल कि गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्रता अखंडता है उन्होंने बरकरार रखने की लड़ है उधर भी तुहानू तस्वीरां दिखा दिंदे हां कि जिहड़ी संगत है वो इस वल उन्हें जरूर है जिहड़ा ध्यान है वो देना चाहिए कि किस तरह दीआं दिक्कतां मीह करके क्योंकि कल रात दा निरंतर मीह पै रहा है वह मीह करके किस तरह दीआं दिक्कतां इत्थे खड़ियां हो चुकियां ने थां थां उत्ते पानी खड़ा हो चुकिआ चिक्कड़ है जिहड़ा वह बन चुकिआ तूड़ियां जिहड़ी निहंग सिंघां दी वह भिज चुकी है निहंग सिंघां दे घोड़ियां नूं रहिण दा प्रबंध है जिहड़ा वह हुण करना पै रहा है कि कित्थे बनणे ने कित्थे नहीं बनणे क्योंकि जिथे वह बन्ने हुए सन वह सारिया थावान उत्ते पानी है जिहड़ा वह खड़ा हो चुकिआ तंबुआं दे विच किसानां दे तंबुआं दे विच तां पानी जमा ही हो चुकिआ नाल दी नाल निहंग सिंघां दे तंबुआं दे विच भी पानी बढ़ चुकिआ घोड़े वाली थावान दे उत्ते भी पानी बढ़ चुकिआ वड्डी गल जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश कीता होइआ उस थान के सामने भी बिल्कुल वड्डी गिण वड्डी मात्रा दे विच पानी है जिहड़ा वह जमा हो चुकिआ निहंग सिंघां ने वट्टां ला के दरबार साहिब दे अंदर पानी जाण तों रोकिआ तस्वीरां तुहानूं दिखाउणे आ बाहरों कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश इस दरबार के अंदर किया गया तो इस दरबार के अंदर पानी वड़न तो रोकण के लिए निहंग सिंघ ने कुछ प्रबंध किए ने पर कल रात तो जिहड़ा निरंतर मीह है वह पै रहा जी तो कल रात तो निरंतर मीह पै रहा है ये तस्वीर ने किवें अंदर पानी है जिहड़ा वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दरबार के अंदर भी वड़ चुके है तो बड़ी मुश्किलों भरे हालात इतने हुण बन चुके हैं किसानी अंदोलन के मिट्टी चो गंडोए बाहर आ चुके हैं तो मिट्टी चो गंडोए ने जोड़े वो भी बाहर आ चुके हैं इस तरह दट्टा की गई ने वट्टा दिखा दौ जी आ वट्टा दिखा दौ जी सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया होया जी तो इतने इस तरह दट्टा ने जड़िया वो करके पानी रोकया होया ये छाउनी है गुरु नानक दल मड़िया वाले की जिते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है तो उस तो बाद पानी है जिहड़ा इन्नी वड्डी मात्रा के इतने जमा हो जाता है निहंग सिंघां नूं प्रबंध करने पैंदे ने वट्टां लाउणियां पैंदियां ने कि पानी दरबार साहिब के अंदर ना आ जाए बाबा जी इतने मौजूद ने बाबा जी ने गलबात करते हैं बाबा जी कदों कोई वट्टां करनियां पईआं वटा मैं पूरे मीह कीतियां वटा सारे आले दुआले चारे पासे चार चार ही फिर पानी आउंदा सी ना तो चार छे बजे पानी निकलता चूहियां दिया रुडा में तह पैंदियां ही तो मैं सारे अपने दरबार के पानी का मैं सारे फिर वटा पाइया पिछले बने नाल नाल कई ना मिट्टी पा के फिर पैरों नाल लतड़ के फिर पानी मैं उन्होंने हटाया सारी मैं बारिश अपने उत्ते पवाई अंदरों तो नहीं चोर जरा तंबू चो रहा ना अंदरों भी वेखो इतों चौंता और पालकी साहब के अगों चौंता इतों चौंता सारा उपरों भी मतलब तरपाल उत्ते पैन वाली है वड्डी तरपाल नहीं कोई मिलन रही वड्डी नानक नाम लेवा सिख संगत को इस वल जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है वह पवित्र स्थान के उत्ते पानी है जिहड़ा अंदर चो रहा है इतने अंदरों भी चो रहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश है उत्ते मूहरियों भी चो रहा है तो इतने अंदर है जिहड़ा पानी है वह जमा हो चुके है काफ़ी गिणती दे काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच अंदर है जिहड़ा पानी वह आ चुके है निहंग सिंघ जिन्ने हो सकन उन्ने प्रबंध इस थान के उत्ते कर रहे हैं पर कुदरत दे सामने सारे प्रबंध नाकाफी पैंदे नज़र आ रहे हैं तो हुण इस थान की पवित्रता जिहड़ी वह उस ढंग दे नाल बनाई रखण दी लोड़ आ संगत ने सहयोग करन दी वी लोड़ आ किसानां दे नाल डटण दी वी लोड़ आ कि आके जिहड़ियां हुण दिक्कतां ने उहनां नूं फिर तों सही कीता जावे तां जो किसानां दीआं ते किसानां दे नाल डटियां सिख संप्रदावां दीआं सिख निहंग सिंघ जथेबंदियां दीआं जिहड़ियां दिक्कतां ने उहनां नूं दूर कीता जा सके क्योंकि सर्दी दे विच वी निहंग सिंघ किसान इत्थे डटे होए ने अत दी गर्मी वी झल्ली है पर हुण मीह है मीह वी चल रहे ने पर पाणी है जिहड़ा उन्होंने बन लाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि पानी हमेशा नीवी थावान बहता रहा है तो यह थां बाकी सारे थावान के नालों नीवी है इस करके सारिया थावान का पानी भी इस वालों भज्जा आता जिस करके निहंग सिंघां दे घोड़ियां नूं दिक्कत आ रही ने तूड़ी जी गिली हो चुकी है घोड़े बनने का प्रबंध नहीं रहा जे घोड़े ने होर थावान पर बनने पै रहे हैं घोड़े बीमार हो रहे हैं सब तो वड्डी गल कि जिते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है वह तंबू चो रहा है उस तंबू के अंदर पानी वड़ रहा तो सारा पानी इतने इकट्ठा हों जा रहा है तो इस वाल ध्यान देने की लड़ है तो हर पर पल की जी कवरेज है के टी वी चैनल तुम्हें दिखाता रहेगा बने रहो के टी वी चैनल के नाल कैमरामैन सहयोगी सिमरतपाल सिंह के नाल मैनू अमदीप सिंह दिओ इजाजत है धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।